हाल ही में चौथी शादी करने वाले एक्टर कबीर बेदी ने उनकी वाइफ को दुष्ट और शैतान कहने पर अपनी बेटी पूजा बेदी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इन बातों से बहुत निराश हैं। परवीन दोसांझ से अपने 70th बर्थडे पर शादी करने वाले कबीर बेदी ने पूजा की तीखी टिप्पणियों को लेकर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा, हमारी शादी के तुरंत बाद परवीन दोसांझ के खिलाफ अपनी बेटी पूजा की तीखी टिप्पणियों से बहुत परेशान हूँ। गलत व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं चल सकता। पूजा शादी से खुश नहीं है और उन्होंने शादी के तुरंत बाद ट्वीट किया था, हर परी कथा में एक दुष्ट चुड़ैल या शैतान सौतेली माँ होती है, मेरी अभी अभी आई है। हालांकि पूजा ने बाद में ये ट्वीट हटाकर कबीर बेदी को उनकी चौथी शादी के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन लगता है कि कबीर ने पूजा की तीखी टिप्पणियों को लेकर उन्हें माफ नहीं किया।